Guys, good morning, सत श्री अकाल, किदा हो तुसी सारे? वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आप सब दा। वी होप तुसी सारे वधिया होवोगे। तो गाइज हम रेडी सी रहे, मैं व्लॉग से रिजाइन ले रही हूँ कल के व्लॉग की वजह से, बाय। हाँ जा, कल मैंने इसकी गाइज शर्ट काट दी, जैसे आपने देखा अभी बदला बोल रही है, लूंगी। मेरे को अपनी शर्ट छुपा के रखनी है क्योंकि मुझे भी उसके बिना नींद नहीं आती। तो गाइज सुबह का काम हो गया, झाड़ू पोछा आंटी कर गए, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया। तो पापा गए हैं भूजी का पता करने हॉस्पिटल, मम्मा गए, तबीयत खराब है, मम्मा को कोल्ड और हल्का फीवर लग रहा है, यार बेचारे बीमार हो गए हैं। एंड मैं और अर्शी जा रहे हैं, बेसिकली उस दिन बैंक का काम हो नहीं पाया था, तो कल संडे है, छुट्टी रहेगी, तो अभी जा रहे हैं वो वाला काम करने। उसके बाद एक दो और काम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आज हमने करना है, वो आपको बताते हैं। ये है कि जो हमारा ये जो हैंडकास्ट बना था, इसको हमने जो भी आगे हमने सोचा था हम फाइनल टच दे जो भी करवाएंगे उसके लिए हम इसको लेके जा रहे हैं, पर आज नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद मिलेगा, फेस्टिवल ब्रेक्स के बाद आना, तो इसलिए हम हफ्ते के बाद ही आज ऑलमोस्ट जा रहे हैं, तो पर 5-6 दिन तो इसको लगेंगे एटलीस्ट। हाँ, तो अभी देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, तो मैंने अर्शी को बोला ये भी उठा ले। गाइस शास्त्री नगर में वो जो शॉप है और जो बैंक है वो एक्चुअली सेम जगह पे ही है ऑलमोस्ट, तो बैंक बस ऑलमोस्ट आने वाला है, फिर करवाते हैं अपना काम। देखिए ये शास्त्री नगर J&K बैंक है और ये शॉप है प्रिंट शॉप, तो दोनों आसपास में ये, पहले हम प्रिंट शॉप चलते हैं क्योंकि ये सामान हाथ में पकड़ा हुआ है। ये बोल रहे हैं हम सिर्फ जो फ्रेम ही करके देंगे और तो कुछ नहीं, पे कुछ भी प्रिंट कराना हो, मैरिज की फोटोज हैं, किसी चीज पे कस्टमाइज, तो सब होता है यहाँ पे। वहां से काम नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने बोला कि डायरेक्ट हमारी वर्कशॉप है नानक नगर में, आप वहां से करवाओ। तो अभी मैं और अर्शी चलते हैं बैंक में, तो ये है दुकान, तो आपको अगर कराना तो आप करा सकते हो। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं अर्शी? थोड़ा गांधीनगर वाली साइड मोनिका से कुछ लेना है। चलो गाइज चलते हैं फिर मोनिका, पहले इसको यहाँ थोड़ा सा मेडिसिन का लेना है। तो हम फिर से घुस गए मोनिका एंड देखते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं। यार अर्शी मार नजर। सो गाइज हम यहाँ तक आए थे, तो हमारा अचानक मेरा और अर्शी का प्लान बन गया कि भूजी भी इस साइड ही है ना हॉस्पिटल में है, तो उनका पता करके आते हैं साथ में क्योंकि पास में ही है, तो ऐसे हमने आना तो स्पेशली शाम को, बट अभी है तो चलो कराते हैं। तो गाइज अभी मैं और अर्शी यहाँ पे आए हैं मैदान हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे बूजी एडमिट हैं, उनको कल ऑपरेशन हुआ जैसे बताया था, तो अभी चलते हैं अंदर। गाइज अभी हम जा रहे हैं वापस अंदर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे अच्छा लगता। चालो स्माइली दीदी, क्या ले रहे हो आप? ये बोल रहे हैं आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, जूस पी के जाना। एक्चुअली स्माइली दीदी यहाँ पहले से ही हैं बूजी के पास, तो ये शाम तक रुकेंगे, तो हम घर ही निकल रहे थे, इन्होंने बोला रुक जाओ अभी थोड़ा देर बैठो, थोड़ा खा पी के जाओ। चलो यार, तो गाइस अब हम आए हैं यही नानक नगर वाली शॉप में, भी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब सीधा घर जाएंगे यार, ऑलरेडी 2:30 बजने वाले हैं, लंच भी नहीं किया एंड यहाँ पे हमने दे दिया, तो काम बोल रहे हैं मंडे को, अब इन्फॉर्म करेंगे कितना पहुँचे, अब देखते हैं क्या बनता है। सो गाइज हमने कर लिया लंच एंड अभी चल रहे हैं सीरियल, अभी 2-3 सीरियल हमें देखने हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अर्शी देखोगी और नाटक? बस नहीं खानी, मैंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, खुद तो है पतली सुकड़ी सी, मैं मोटी हूँ तो मैं खिलाती जाती है, और मीठा खिलाएगी और मीठा खिलाएगी, दिन की एक बर्फी बेनिफिट है। चल इधर, मेरे तो शुगर कराएंगी इसी दिन, एक मिठाई ना करी शुगर होती है। अच्छा एक 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 कितनी हो जाएगी? सात सात खा लेंगी नहीं, महीने से पूरी 3 खिलाएंगी तो कितनी हो जाएगी? सो गाइज कैसे हो आप सब? तो यार आज बिल्कुल रेस्ट नहीं की, मतलब लेटी थी पर नींद नहीं आई कुछ, आज ना मौसम मेरे ख्याल से जो चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं मेरे को आज, इतना मतलब साइनस वाला वो हो रहा है पेन यहाँ से लेके पूरा हेडेक। और यार फिर आज का ऐसा था कि सुबह पहले मेरी मीटिंग थी कोई 1-1.5 घंटा, तो फिर मैं वहाँ से जैसे ही फ्री हुई था तो उसने मैंने बोला कि चल बाहर चलते हैं, तो फिर एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह करते करते बहुत टाइम लग गया। फिर भूजी को भी मतलब हमने जाना था पता करने क्योंकि कल भूजी का ऑपरेशन हुआ था, तो पता करके आए हैं ठीक है अब, पहले उनको मतलब कल दर्द ज़्यादा था, आज उनको फ़र्क है, तो कल तक शायद सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे उनको हॉस्पिटल से। तो यार अभी ना चाय की ज़रूरत है क्योंकि हेडेक हो रही है एंड मम्मा भी यार बीमार हो गए, मम्मा को पता नहीं अचानक मतलब एक हल्का मौसम नाली हो गया। हर्षी दीदी आप जाओ, मैं बनाती हूँ। नहीं आप जाओ ना, प्लीज दीदी आप जाओ, मैं बना रही हूँ।
गाइस पता नहीं केड़े केड़े मसाले पान लगी है। एक ये है मैंने भी आंगी है ऑरेंज टी। पागल है, सबको सर्दी हो रही है तो लौंग और अदरक वगैरह पा दिया। मुझे पसंद नहीं है लौंग। चुप कर, जब टेस्ट लगेगा ना तब बताना। सवेरे भी बनाई थी, मैंने पसंद नहीं आई थी लौंग। सुबह से अदरक थी। मम्मा को क्या हुआ? मम्मा क्या हो गया? खांसी जुकाम बुखार गला दर्द है बड़ा। ये किस तरह हो गया? पता नहीं, चंगी भली उस बंदा नु आई है कल रात ही। तब थोड़ी थोड़ी बस खांसी हो रही थी, पता नहीं पानी भी प्यास लगी सी। पानी में लिया ठंडा पी लिया थोड़ा सा। हो गया तो ये ठंडा पानी पी लिया पक्का? ठंडा पानी नहीं है, मैं नॉर्मल ले सी। पापा ने भेजी सी ऊपर पानी। यार गाइस उन्हें टाइम देखो कितना होया, 6:05 मतलब 6:05 उन बार इन्हें हो गया यार, कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, जब पूरी हो जाएंगी फिर क्या होगा? 4 बजे 5 बजे अंधेरा। मतलब मैं कब से सोच रही हूँ म्यूजिक का कुछ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन एक कम्बख्त जो सर्दी है ना, कंबल ऐसे लो ना उसके बाद तो बस बोलते हैं ना एक काम तमाम हो गया, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। शी बोलती कुछ बाहर से लाना है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, पनीर ले आते हैं। मतलब चल फिर और भी कुछ चीज़ें लेनी है। मतलब चल यार बाहर का चक्कर भी लग जाएगा और थोड़ी जो सुस्ती और सिर दर्द हो रही है थोड़ा ठीक हो जाएगा शायद। और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे आपने सही नहीं किया, आपने उसको सैड कर दिया, आपने अर्शी की फेवरेट टी शर्ट काट दी। तो यार ये करना जरूरी था, पता है वो छोड़ नहीं रही थी इसलिए काटी थी। मेरा परिवार उस टी शर्ट से दुखी आ गया। और कमेंट किया होगा किसी ने कि अर्शी बुरा नहीं माना, हम भी इरिटेट थे उस शर्ट से। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड कुछ अपोज भी कर रहे हैं जो अर्शी के साइड है, बट चलो कोई नहीं, इतना चलते। ले लिया सामान और अब देखते हैं जाएंगे घर। गाइस प्याज काटा, आंसू आ गए। खांसी हो गई है बड़ी। क्या मेरा स्टंट देख ले, ज्यादा स्टंटमैन बन रही है। जाए ध्रुव यार थोड़ा झूठ भी बता दिया कर। झूठ क्यों बताऊं, मैं सिर्फ सच बताती हूँ, मैं नहीं बताती झूठ किसी को। ऐसे फिर कैसे तो अच्छी ब्लॉगर बनेगी? अच्छी ब्लॉगर में स्क्रिप्टेड होता है, मैं नहीं करती। तभी तो हमारा फॉलोअर इतना आहिस्ता आ रहा है। दीदी क्या क्या बना लिया? ओ वाओ मिक्स वेज। अब ये तुझे नहीं मिलेगी। क्यों? तूने बोला था मैं खाली पनीर खाऊंगी। फिर क्या किया हुआ है? मैं तेरे लिए पनीर अलग से निकाल दिया। यार दीदी तुम कितनी प्यारी सी हो यार, है ना? मुझे हर महीने कुछ खरीद के दे दिया कर बस। मुझे रोना आ रहा है तुझे देख के। हाय इतना मत नहीं रखना। गाइस देखो कितनी प्यारी मिक्स वेज बन गई है। आजा बंदर। नहीं अभी चाप गरम करनी है मुझे। दीदी प्लीज, और फिर से तूने वो किया काम। टाइम हो गया 8:30, तो मुझे लगा ओ शिट डिनर का टाइम आ गया। तो यार क्या चल रहा है? रियो किचन में मेरी दीदी, मेरी दीदी। तुम जाओ बाहर। चल तू जाओ। गाइस मम्मा का फीवर चेक किया अर्शी ने। अर्शी कितना है? 100.5 है। तो अर्शी बोल रही है कि मम्मा को डोलो खिलानी है क्योंकि उससे से फर्क पड़ता है, पर मम्मा बोल रही है मेरे को डोलो नहीं खानी, बोल रहे नहीं खानी चाहिए। मम्मी क्या बोलते हैं? पैरासिटामोल दो, फिर कैसे खिलाएगी तू? डोलो को ही पैरासिटामोल बनाते हैं। कैसे? ये क्या हो गया? एक दूसरे की ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। अर्शी थर्मोमीटर लाना, थर्मोमीटर चेक कर लेते एक बार। हाँ मामा गर्म हुआ बहुत ज्यादा। अर्शी ले आ। कितना है? 101 मम्मा 101 बुखार कहाँ से लेके आ गई हो तुम? पता नहीं यार चंगी भली नहीं है। 500 कौन सी है ये? पैरासिटामोल। डोलोप्लाक्सिन नहीं नहीं ला 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 ला।
मम्मा अपने पैरासिटामोल क्यों खाई? डोलो खाओ। नहीं यार, पागल डोलो अच्छी नहीं थी। डोलो यार सुबह खाई थी। चलो मम्मा करो आप रेस्ट फिर, बाय। कैसा है? मुझे भी तो टेस्ट करा दे। याद आ गया है। वो ये बचपन वाला वो था ना, नमकीन और मीठा, स्वाद ही आ गया। हेलो गाइस, तो यार मैं आ गई मुंह शू धो के एकदम फ्रेश होके। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा मैं ठीक, वो जोश आया मेरे को उस टाइम, मेरे को फ्रेश लग रहा है। बट गाइस अभी 11 बज चुके हैं, तो आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, रात जल्दी हो जाती है, तो सोना भी जल्दी चाहिए। तो कल भी मैं सो गई थी जल्दी। बोलने की हिम्मत नहीं है, बस सो जाऊंगी जल्दी से। तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो। व्लॉग्स को मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।